भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होगा। अफगानिस्तान टीम पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत का दौरा कर रही है। T20 सीरीज के लिए घोषित हुई भारत की नई प्लेइंग 11। इस सीरीज में किसको जगह मिली, किसको नहीं मिली, ये सब अपने वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा होंगे। वे पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद पहला T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। रोहित के अलावा विराट कोहली और सुमन गिल की भी वापसी हुई है, जबकि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण बाहर रखा गया है। ये सभी अपनी अपनी चोट से उबर नहीं पाए। 11 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज T20 वर्ल्ड कप के तैयारियों के लिहाज से अहम है। यह जून में होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की आखिरी बाइलेटर सीरीज है। भारतीय टीम का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको बता दूं कि T20 सीरीज के लिए ओपनर सुमन गिल और विकेट कीपर संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं दी गई है। विकेट कीपर ईशान किशन निजी कारणों से उपलब्ध नहीं है। चोटिल हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है, जबकि रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। लेग स्पिनर के रूप में भारत के पास रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव का विकल्प है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को ऑफ स्पिन ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में रखा गया है। सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने युवा पेस अटैक पर भरोसा जताया है। अफगानों के खिलाफ होम सीरीज में अर्शदीप सिंह, आवेश खान और मुकेश कुमार की तिड़की पेस अटैक करेगी। टीम में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे नाम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत 3 ही T20 मैच खेलेगा। तीनों मुकाबले अफगानिस्तान से होंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड से 5 टेस्ट खेलेगा और फिर IPL शुरू हो जाएगा। IPL के मई के तीसरे सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। टूर्नामेंट के ठीक बाद 1 जून से ही वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। इसका शेड्यूल ICC ने शुक्रवार 5 जनवरी को ही जारी किया था। दोस्तों, कैसा लगा भारत का ये नई शेड्यूल जो T20 सीरीज में खेलेगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।